110 घंटे की मशक्कत के बाद भी फतेहवीर को बचाया नहीं जा सका। पंजाब के संगरूर जिले में मंगलवार सुबह 150 फुट बोरवेल में फंसे बच्चे को 110 घंटों बाद निकाला गया और उपचार के दौरान बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। फतेहवीर सिंह, जिन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF पुलिस अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों से सुबह 5:12 पर बचाया गया और उन्हें एम्बुलेंस में PGI चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां बच्चे की हालत गंभीर बताई गई और मंगलवार तड़के उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सोमवार को 2 साल के हो गए फतेहवीर सिंह 6 जून को शाम 4 के आसपास एक खेत में 7 इंच चौड़े बोरवेल में गिर गया, जब वह संगरूर इलाके में भगवानपुरा गाँव में अपने घर के पास खेल रहा था। बच्चा बोरवेल में फंस गया और हलचल करने में असमर्थ था, क्योंकि उसका चेहरा जूट के बैग में ढका हुआ था। जब वह बोरवेल में फिसल गया तो उस पर जूट का थैला गिर गया था। बोरवेल को कपड़े से ढक दिया गया था और लड़के ने गलती से उस पर कदम रखा, जबकि अधिकारी बच्चे को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में कामयाब रहे। बोरवेल में गिरने के बाद उसे कोई भोजन या पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सका। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में खुले बोरवेलों के संबंध में DC से रिपोर्ट मांगी है। नेशन भारत के न्यूज रूम से मैं कात्यायनी मिश्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।